मुरादाबाद दलपतपुर चौकी इंचार्ज विनोद कुमार गोले को कई दिनों से मुखबिर द्वारा सूचना मिल रही थी कि मारुति वैन में मिलावटी खाद्य पदार्थ भरकर चमराव फाटक से कुछ लोग सप्लाई कर रहे हैं। आज सुबह मुखबिर की सूचना पर चमराव फाटक से खाद्य पदार्थ से भरी मारुति वैन को दलपतपुर चौकी इंचार्ज ने ड्राइवर सहित पकड़ दिया है और चौकी ले आए। मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने विजलित तेल, रिफाइंड प्रोटीन पाउडर, लिक्विड शुगर के सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिए और आगे की कार्यवाही में जुट गई। क्या दलपतपुर चौकी में आपने? हाँ, ऐसा था कि आज सुबह हमारी डीओ साहब का फोन आया कि दलपतपुर पुलिस चौकी पे एक गाड़ी में कुछ संदिग्ध खाद्य पदार्थ रखे गए हैं और उसे जाके चेक किया जाए। तो हम लोग खैर समय से दलपतपुर पुलिस चौकी पे आए तो एक ओमनी वैन थी। ओमनी वैन में वेजिटेबल आयल रखा हुआ था और जार में दो काले ब्लैक जार में कुछ ऐसी संदिग्ध चीज़ें थी जिसको कि विक्रेता नईम द्वारा ये बताया गया कि ये जो है वो शुगर है, लिक्विड शुगर है, ठीक है। और इसके अलावा एक बोरी में जिसपे कि कुछ भी अंकित नहीं था, तो उस बोरी के अंदर नईम द्वारा ये बताया गया, जो विक्रेता थे ले जा रहे थे, बताया गया कि ये प्रोटीन पाउडर है। तो उक्त तीनों खाद्य पदार्थों का रिफाइंड वेजिटेबल आयल, वो पोमिलिन आयल था और ये प्रोटीन पाउडर का और लिक्विड शुगर का, इन तीनों का नमूना जो है जांच हेतु संकलित करके सील पैक कर लिया गया है। इसको आज ही जो है कुरियर द्वारा, डाक द्वारा, किसी द्वारा भेज दिया जाएगा जांच के लिए और इन सारी चीज़ों को, सारे खाद्य पदार्थ को जब्त करके विक्रेता नईम के अभिरक्षा में दे दिया गया है। और यह